दोस्तों, आरोग्य सेतु एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कोविड-19 से रिलेटेड हर जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। ये एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आरोग्य सेतु काम करता है। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को अपने दोस्तों को, मित्र को शेयर करें ताकि वो भी अपना लाभ उठा सकें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्ले स्टोर मौजूद है, तो मैं प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सर्च करके रखा हुआ है आरोग्य सेतु और मेरा पहले से इंस्टॉल भी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका पब्लिशर आईडी है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। जो लोग प्ले स्टोर से रिलेटेड थोड़ी जानकारी रखते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिशर आईडी NICEGOV मोबाइल एप्स, यहाँ पर ये भारत सरकार की पब्लिशर आईडी है और यहाँ से बहुत सारी सरकारी एप्लीकेशन पब्लिश किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं, यानी कि ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है वो फेक नहीं है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये फेक एप्लीकेशन नहीं है, तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है। तो यहां पर मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर मैं ओपन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर आपको भाषा चुनने को बोलेगा, यहाँ पर ढेर सारे भाषाएँ दी गई हैं, तो यहाँ पर मैं हिंदी ही चुन लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर हिंदी के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने अभी अपना भाषा गलत चुन लिया है तो यहाँ पर कोने में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिंबल आ रहा है वहाँ से अब अपना भाषा फिर से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं हिंदी चुन लेता हूँ और आगे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो हिंदी में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। बात तो सही है कि हम सभी से ही कोरोना वायरस छुआछूत के चलते फैल रहा है। ठीक है, और इसे रोकने की क्षमता हमारे अंदर है सोशल डिस्टेंसिंग के मदद से। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है, यानी कि कोई आपके जो संपर्क में आता है क्या वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। तो यहाँ पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आगे के ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है कि ब्लूटूथ और लोकेशन यहाँ पर दोनों ऑन रखना है। यहाँ पर यही बोलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क में ट्रैक करता रहता है। क्यों करेगा, यहाँ पर ब्लूटूथ आपको खुला रखना है और लोकेशन भी आपको हमेशा चालू रखना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल करने को बता रहा है, इंस्टॉल करिए, फिर ब्लूटूथ और लोकेशन स्विच ऑन कर दीजिए, यानी कि ऑलवेज पर, यानी कि अलाउ कर दीजिए अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा, इस ऐप के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। ये तो सभी को पता है, खैर ये सरकार सभी को सहायता कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं को, अपने परिवार को और मित्रों को कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित, ये तो बात सही है कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी भारत देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो रजिस्टर करें के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा और गोपनीयता की शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर में है, यहाँ पर मैं पूरा पढ़ देता हूँ। हम इस विषय में संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। यानी कि आपको एक बात बता दूं कि इसमें सब कुछ अपना सारा डिटेल सही सही भरना होगा। ठीक है, आपको कोई भी डिटेल गलत नहीं भरना है क्योंकि ये भारत सरकार का वेबसाइट है और सही जानकारी देंगे तभी आपको भी सही जानकारी उधर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल लोकेशन आप, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल को लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें।
आप इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं, बदल भी सकते हैं। इसमें मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अब हमेशा एक्सेस ले लिया तो यहाँ पर एक्सेस ही लिया रहेगा। और ब्लूटूथ भी चालू रखिए, डाटा शेयरिंग। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर दिखा रहा है डाटा शेयरिंग की जानकारी, आपका डेटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और मोबाइल नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा, यानी कि ये एप्लीकेशन हो काफ़ी सेफ है, वो सिर्फ भारत सरकार को ही ये डाटा भेजेगा। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि कहीं OTP डाल दिया, फिर कहीं कुछ डाल दिया तो आपका डाटा लीक हो गया है, कहीं वेबसाइट पर बिक रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भारत सरकार का सिक्योर एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने हैं तो यहाँ पर गोपनीयता और शर्तों के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ब्लू वाले पर, और आप यहाँ पर पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं सहमत हूँ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और लोकेशन मांगने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर जब मैंने लोकेशन दिया तो यहाँ पर अपने आप मेरा ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड और पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है मैंने, और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, OTP यहाँ पर आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा, OTP यहाँ पर अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, आपको डालना भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए नहीं डिटेक्ट करता है तो मैन्युअली डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आरोग्य सेतु का जो एक अगला पेज खुल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर खुल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खुल गया है नया पेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विवरण देना है आपको, यहाँ पर आपका लिंग क्या है, पुरुष हैं, स्त्री हैं, या फिर अन्य है, यानी कि ट्रांसजेंडर हैं। तो चलिए मैं पुरुष हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना पुरुष डाल देता हूँ। पूरा नाम मांगने लगा है, तो जैसा कि मेरा यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर नाम है ठीक, मैं वैसा ही डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर निक नेम नहीं डालना है, पर्सनल जो नेम है वही डालना है, जो कि हर जगह हर सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस होगा, यहाँ पर एरो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब आयु पूछने लगा है, तो चलिए मैं अपने आधार कार्ड के अनुसार ही अपना आयु डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना आयु डाल दिया है, और फिर से आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि क्या आपने कोई व्यवसाय किया हुआ है। यहाँ पर अगर इनमें से आपका कोई भी व्यवसाय है तो उस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी व्यवसाय तो है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं इनमें से कोई नहीं, नीचे सबसे जो ऑप्शन आ रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे का प्रश्न पूछ रहा है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया है आपने। तो यहाँ पर जब एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरो के ऊपर मैं जब टिक करूँगा तो यहाँ पर ढेर सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रीज़ आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सर्च करने को भी मांगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी कंट्री में नहीं गया था क्योंकि मेरा यहाँ पर तो पासपोर्ट या फिर वीज़ा कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर नो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, नॉन, और यहाँ पर आगे का प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर नो, यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़रूरत के साथ स्वयं सेवा में रुचि, तो हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग है भारत सरकार को, तो यहाँ पर मैं हाँ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट को पूछेगा, सबमिशन की पुष्टि करें, तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट करें के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं खेतीबाड़ी का काम कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर हाँ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि 20 सेकेंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें, तो चलिए मैं ये भी टेस्ट दे देता हूँ। चाहे तो आप नहीं दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये भी टेस्ट दे देता हूँ। हाँ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कृपया सही उत्तर दें, ठीक है, मैं पूरा पूरा सही उत्तर दे दूँगा, ठीक है, समझ गए समझ गए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से एक नया प्रश्न आ चुका है, कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी एवं प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट, वही बात है, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रश्न आ रहा है, और यहाँ पर नीचे
दिया गया है कि खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक पूछ रहा है नया प्रश्न, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कुछ भी कभी भी हुआ है? तो क्या मधुमेह यानी कि शुगर, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन और फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से, अगर आपका इसमें से कोई भी रोग हुआ है, खास करके बुजुर्गों को तो यहाँ पर मधुमेह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा इनमें से कोई भी नहीं है अभी, ठीक है। और क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई भी विदेश यात्रा की है? तो फिलहाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है कोई भी विदेश यात्रा। और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ? तो मैं ऐसे कोई व्यक्ति के साथ नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन में यहाँ पर आ रहा है कि मैं एक स्वस्थ कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं तो किसान हूँ। तो इनमें से कोई नहीं के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई संक्रमण नहीं है, ठीक है। तो ओके के ऊपर जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पेज खुल चुका है, मैं सक्सेसफुली अपना सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और यहाँ पर अभी मैं सेफ हूँ। यहाँ पर मैं ये बता रहा है कि अभी मैं सेफ हूँ। यहाँ पर जो अभी मैंने उत्तर दिए प्रश्नों के, अगर वो फिर से आप उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सेल्फ एसेस, ठीक है। तो यहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हाईलाइट करके फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अपडेट ले सकते हैं कि कोविड अपडेट्स। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि इंडिया में पूरे कितने केसेस हैं, कितने रिकवर हो गए यानी कि कुल कितने ठीक हो गए और कितने मर गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 437 मरे हुए हैं और पूरे भारत में अभी तक का आंकड़ा है भारत सरकार के पास। और यहाँ पर कन्फर्म जो केस है वो यहाँ पर 13,387 जो केसेस सामने आए हैं भारत में, ठीक है। और स्टेट के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी सबसे ज़्यादा केसेस हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर दिल्ली यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसका भी यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिखाएगा। यह नहीं कि सिर्फ जो स्टेट्स हैं उनके भी नहीं, पूरे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का भी यहाँ पर अपडेट देने वाला है। ये देख सकते हैं कि गोवा और पणजी, यहाँ पर देख सकते हैं कि दमन एवं दीव में एक भी केस नहीं है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से सिक्किम में भी एक नहीं है, आप अपने स्टेट को चुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक नया फीचर आने वाला है, ई पास, यहाँ पर कमिंग सून का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगला ये क्या है और इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसको बैक ले लेते हैं। यहाँ पर इस आपकी स्थिति सही है, ठीक है, मेरा स्थिति सही है। और यहाँ पर नीचे जब आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम केयर्स, यहाँ पर डोनेशन के लिए मांगा गया है, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से डोनेशन कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर का जो नेम है यहाँ पर पीएम केयर्स डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर ये डालना है और IFSC ये डाल देना है, या फिर आप चाहते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज या फिर मोबीक्विक से पेमेंट करना, तो यहाँ पर UPI ID यहाँ पर ये दिया गया है, या फिर, ठीक है। तो ये तो रहा पेमेंट करने का मेथड। अगर आपको डायरेक्ट अभी डोनेशन करना है इसमें पीएम केयर्स फंड में, तो यहाँ पर डोनेट यूजिंग UPI का ऑप्शन अभी आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सीधे ये जितने भी UPI पेमेंट मेथड है यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। तो फिलहाल मैं फ़ोनपे को चुन लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोनपे में यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, ये फ़ोनपे को रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सेंड ऑप्शन आ गया डायरेक्ट यहाँ पर PM Cares@SBI। तो 5 रुपये जब मैं डालूँगा, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। 1 रुपया डालिए, 5 रुपया डालिए, 10 रुपया डालिए, 1,000 रुपया डालिए, ठीक है। और बैंक चुनने के बाद यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, UPI पिन डालूँगा और डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, पीएम केयर्स फंड में डायरेक्ट मेरा पैसा चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया,
ठीक है, तो आप आसानी से अपना पीएम केयर्स में पैसा भेज सकते हैं। तो ये था आरोग्य सेतु ऐप। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो थोड़ा, धन्यवाद।